सुल्तानपुर नगर पालिका चेयरमैन टिकट को लेकर घमासान। भाजपा में एक अनार 100 बीमार तो कांग्रेस में तमाम दावेदार। कांग्रेस नेता जीशान का साधु संतों के लिए बड़ा ऐलान। अब मुस्लिम तुष्टिकरण की बात पुरानी, आ गई हिंदुओं की बारी। जी, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। अभी तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद से निकाय चुनाव की सियासत गर्म हो चली है। सुल्तानपुर नगर पालिका का चेयरमैन बनने के लिए भी तमाम नेता दावेदारी ठोक रहे हैं। टिकट को लेकर सबसे ज्यादा मार भारतीय जनता पार्टी में है। वर्तमान पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी के दिग्गज नेता खुली मुखालफत पर उतर आए हैं। बबीता की टिकट पर संकट के बादल मंडराने से पूर्व चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल, ज्ञान प्रकाश जायसवाल और आलोक आर्य जैसे सरीखे नामों की चर्चा है। वहीं अब कांग्रेस में भी टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। युवा नेता वरुण मिश्रा, सभासद अमोल वाजपेयी के अलावा जीशान अहमद ने कांग्रेस के टिकट पर दावा ठोका है। यही नहीं, जीशान अहमद ने चुनावी मुद्दे भी तय कर लिए हैं। उनका कहना है अगर वो चेयरमैन बने तो साधु संतों के लिए अलग व्यवस्था और पब्लिक का हाउस टैक्स माफ करेंगे। आने वाले निकट पालिका चुनाव में अपने आपकी दावेदारी चल रही है, क्या उनमें क्या महत्वपूर्ण है जो आप चुनाव लेकर उतरेंगे? भैया, सबसे ये तो ठीक ही है, दावेदारी में है, मेहनत किया जाता है, संघर्ष किया है, लोगों के साथ उठा बैठा हूँ। विगत वर्षों से, कई सालों से हम लोग चुनाव के लिए ही नहीं, सिर्फ अपने एक सेवा सत्याग्रह और सामाजिक तौर से हम लोग काम करते आए। किसी भी गरीब लोग हों, किसी भी तरह का पर अमान्य व्यवहार किसी के साथ किया जाता है तो हम लोग जिला अधिकारी के यहाँ ज्ञापन भी देते हैं। सबकी मिट्टी मंजिल में हम लोग जाते भी हैं, सबके शादी विवाह सुख दुख में हम लोग शरीक रहते हैं और इसी आधार को मानते हुए हर वार्ड में हम लोग का आना जाना लगा रहता है। चुनाव तो अब आया है, हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, अगर पार्टी का आशीर्वाद मिला तो हम चुनाव बहुत ही जबरदस्त और दमदारी से लड़ेंगे किसी के साथ। और कहीं हमको जनता ने आशीर्वाद प्यार दिया तो हम किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, ईमानदारी से सबके साथ एक समान व्यवहार करेंगे। तरह तरह की पार्टियां जनता से वादा करें, और आपकी मतलब क्या क्या मतलब प्रमुख बातें हैं जो आप जनता भी? सबसे सुल्तानपुर शहर में सबसे जो प्रमुख हमारे लिए होगा वो है सीताकुंड धाम को हम बढ़िया तरीके से सौंदर्यीकरण करेंगे। जैसे हमारे जो पर्यटक लोग आए वो वहाँ और उनको रहने आने की पूरी व्यवस्था करेंगे, और जितने हमारे साधु संत लोग हैं, हमारे गुरु जो हैं, उनके लिए हम हर तरीके से रहने की व्यवस्था, उनके लिए उनकी एक सैलरी बनाने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे साधु संत हमारे जो गुरु हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। वहाँ जब मैं पर्यटन की व्यवस्था बनाऊँगा तो वहाँ साधु संतों के लिए वहाँ रहने की व्यवस्था, उनके उनके रोजगार की भी व्यवस्था, जैसे उनका भी जीवन यापन अच्छे से हो सके। और दूसरी चीज़ ये है कि हम हाउस टैक्स पूरा माफ़ कर देंगे, वाटर टैक्स हाफ कर देंगे, हाउस टैक्स जो रहेगा वो माफ़ कर देंगे पूरा, जो हमारी रणनीति है। और जो वाटर टैक्स होगा उसको मैं आधा कर दूंगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उनके मानदेय को बहुत कम दिया जा रहा है, उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे, शासन द्वारा चाहे जैसे उसको किसी भी तरीके से पास कराएंगे। ये हमारी हेडेक है, शाम डाम दंड भेद हाथ पैर जोड़ के किसी भी तरीके हम जो है अपने सफाई कर्मियों के लिए उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये भैया, आप देख भी रहे हैं कि नगर पालिका की तो इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, डेंगू से बेचारे कितने हमारे भाई लोग जो है इस टाइम एक्सपायर कर गए, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, कोई किसी भी जात मत मजहब के लोग हैं, कितने लोग हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके घर परिवार वाले से पूछिए कि एक मच्छर की वजह से किसी की मृत्यु हो रही तो कितना दुख होता होगा। हम जब आएंगे जनता मुझे प्यार देगी, तो चाहे वो दवा छिड़कने का काम हो, चाहे वो जिस भी तरीके की, और सबसे प्रमुख काम मेरा ये भी रहेगा जो ये सीवर लाइन है, जो नालियां खुली है, पानी जमा हुआ है, ये सब एकदम सब अंडरग्राउंड कर देंगे,
कि जैसे किसी भी प्रकार की कोई भी, किसी भी तरीके से कोई भी बीमारी होने का कोई चांस ना रहे। और मेरा कहीं नगर पालिका में हस्तक्षेप है और जिला अस्पताल में नहीं है मान लीजिए, तो मैं वहाँ भी जा जाके मरीजों का हाल चाल लूंगा, चाहे वो हमारे शहर के बाहर के भी लोग रहेंगे, कि सब व्यवस्था बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही। एक बार मौका दीजिए, फिर अपने बेटे को देखिए, काम करेंगे, काम करने के लिए आए हैं, सहयोग आशीर्वाद बना के रखिए। कांग्रेस नेता ने साधु संतों की सुविधा की कई व्यवस्थाओं का ऐलान कर सुल्तानपुर नगर पालिका चुनाव में बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है, जिससे काफी हलचल मची हुई है। सुल्तानपुर से सुजीत कसौंदर की रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।